कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे चली गई है, कल थी बसंत पंचमी तो, बट मेरी वीडियो तो लेट हो जाती है, बट सुबह सुबह का टाइम है। मैंने बच्चों को नहला धुला के और रेडी कर दिया है, घर में भी क्लीनिंग मैंने कर चुकी हूँ। तो अब बच्चे और पापा मिलके कर रहे हैं पूजा, क्योंकि मैं रेडी नहीं हुई थी और इनकी क्लास होने वाली है शुरू, जिस वजह से मैंने कहा कि चलो मैं बाद में कर लूँगी, आप लोग है ना, आप इनके साथ बच्चों के साथ मिलके है ना पूजा करा दूँ, क्योंकि मैं घर के काम में लगी हुई हूँ, कभी झाड़ू लगा रही हूँ, कभी पोछा, तो यही सारे काम है। तो क्लीनिंग हो चुकी है, बाहर मैंने मशीन लगा रखी है, वो कपड़े धुल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपने की मैंने की बात एक ही है। तो बच्चे मिलके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और साथ साथ मस्ती भी कर रहे हैं। मैं डांट भी रही हूँ उसको, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मस्तीखोर हो गया है इस वजह से। तो चलिए, आपके घर में कैसे पूजा हुई, क्या किया आपने, ये बताइए। आज सभी को येलो पहनना होता है, येलो या वाइट। तो बच्चों को तो मैंने येलो पहना दिया, क्योंकि उनके टीचर्स ने ही कहा था, तो मैं और इन्होंने भी येलो पहन लिया, बट मैं नहीं पहन पाई। तो अभी है ना, सुबह का सारा काम खत्म करने के बाद सारे कपड़े धो दिए, दोबारा से जो हुए वो भी धो दिए, सुखा के भी आ गई हूँ। बच्चे तो पहले ही सुबह नहा धो दिए थे, पूजा पाठ भी आपने देखा। अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, तो यहाँ पे कट कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे जो कुछ भी बचा कुचा है, जैसे गोभी है, बीन्स है, गाजर है, तो आज मिक्स वेज बनाएंगे। तो फटाफट से कट कर देती हूँ, क्योंकि इनका भी आना है। बेटा इनमें क्यों टाइम, इनके नाम पता है कौन सा फ्लैग कौन सी कंट्री का है? अभी ऐसे बहुत सारी कलेक्शन बनाऊंगा, फिर मैं बेचूंगा। हाँ बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे आप? स्कॉटलैंड। तो फटाफट से पहले खाना पीना बना लेते हैं, फिर और काम खत्म करेंगे, क्योंकि कम से कम सब्जी छूट जाए मेरी, और ये काटने में मुझे टाइम लगेगा। तो ये कटिंग कर लूँ मैं फटाफट से आज, क्योंकि कपड़े वगैरह सब धोने थे ना, तो बहुत ज़्यादा भीग गए मेरे कपड़े भी, और मैंने अभी चेंज नहीं किया है, तो अभी बाद में ही करेंगे चेंज भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दिया, जीरा ऐड कर दिया है। क्या बताया डॉक्टर ने? रिपोर्ट दर्ज करा, वही तुम्हारा एएनए पॉजिटिव है, ब्लड में कुछ कमी हो गई है। अच्छा, तो उसकी वजह से हो रहा है। अभी 7-8 दिन इसके दवाई खाओ। तो 7 दिन और काम देखे करा, काफी आराम है। तो कभी भी नहीं रुकेंगे? रुकेंगे क्या, धीरे धीरे ठीक होंगे। अच्छा, मतलब अंदर वो जो चीज है उसको ठीक करेंगे पहले तो, है? मम्मा अब आपको आज वो कॉफी वगैरह लेके ही आनी है, और आज आप मेरे साथ जलाओगे। तो यहाँ मैंने सब्जी छोक दी है, मैंने तेल डाला, फिर प्याज हरी मिर्च डाल दी थी, और जैसे ही वो हुआ तो मैंने सारी सब्जियाँ मिक्स जो वेज है वो सारा डाल दिया। टमाटर इसमें मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, ऊपर से ऐड करूँगी, और बस इसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, बट इतनी टेस्टी सब्जी बनती है ना सच में। एक तो सर्दियों में सब्जियाँ अच्छी ही लगती हैं, और कई बार ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले मसाला भूने, अच्छे से भूने, खूब सारे मसाले ऐड करें तभी सब्जी स्वाद बनती है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हुई सब्जी भी बहुत अच्छी होती है। देखिए मैं ऐसे ही मसाले डाल दूंगी। मैंने पूछा खाने पीने का, कुछ भी खाओ। और शुगर का क्या बताया? शुगर मैंने वहाँ पे चेक करवा, शुगर तो मेरी नॉर्मल थी अभी। अभी तो फिर उसमें कैसे आ गई थी? मैं रुक जाओ, अभी कहीं बाहर से आया रहने। आपको फ्रूट भी नहीं लेके आए? जरा शुगर तो मैं चुप रहे अभी बेटा। हर 3 दिन मॉनिटर करनी है अपनी, इन दवाई से शुगर बढ़ेगी इसलिए। अच्छा, और शुगर मॉनिटर करते रहना। बाहर मैंने चेक करा है, उसमें फ्री में शुगर चेक होती है, शुगर मेरे को 14 ही आई। हाँ
तो आप देख रहे हैं ना सब्जी को, बस मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी और बस इसमें थोड़ा सा चला के और इसमें थोड़ा सा पानी करके मैं ढक के रख दूंगी। जब मेरी सब्जी है ना 80% पक जाएगी फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, फिर 20% और हम पकाएंगे, घोटेंगे नहीं, मतलब इस तरीके से चलाएंगे कि सब्जी घुटे ना, एक एक पीस हमें रहे, तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आपने आज सुन लिया है इसलिए मैंने म्यूट नहीं किया था, मैंने आपको सुनाया कि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या बस बीमारी का बहाना लेके या मैं व्लॉग नहीं डाल रही या व्लॉग का टाइटल मैं इस तरीके से डालती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें चल रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कर रही हूँ, कुछ शेयर नहीं कर पाती। जो मैंने वो वीडियो बनाया था आप देख लीजिए, सब्जी का रंगत कितनी अच्छी आई है। तो जो मैंने वीडियो बनाया था कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, उस दिन सच बात बताऊँ उस दिन मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इवन उन्हें ऑफिस से ऑफिस के जो बंदे थे वो ही उनको घर लेकर आए थे आफ्टरनून में ही, जब मैंने वो ऊपर शूट किया था ना उसके बाद ही नीचे देखा तो ऑफिस से बंदे आ गए थे, इन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। इतना पैर इनका सूज गया था, इतना मोटा हो गया था कि इन्हें जीना तक इनसे चढ़ा नहीं जा रहा था, इवन अपने आप से ये पैरों को फोल्ड नहीं कर पा रहे थे, सीधा नहीं कर पा रहे थे, इतने परेशान थे। तो उस दिन मैं बोल रही थी ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ होगा, और इनकी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी उस दिन, तो हम सब डर गए थे। इवन मेरी मम्मी को पता चला, मेरी मम्मी तो रोने लग गई थी क्योंकि उस दिन हालत इनकी बहुत ज़्यादा सीरियस वाली लग रही थी, बट अब काफ़ी ठीक है। पर हाँ अभी कुछ इस तरीके की हैं जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो भी एक तरह से डर वाली बात है। अब देखते हैं कैसे क्योर करते हैं इन सब चीज़ों को। सब्जी तो छोक दी है, आटा लगा लेते हैं। ये गए हैं ऊपर अभी, तो ये अभी अभी दवाई लेकर आए हैं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखा के लेके आए। तो बस चलो, शुगर की टेंशन हो रही थी, शुगर तो नहीं है इन्हें, क्योंकि इनकी शुगर आ गई थी, काफ़ी आ गई थी शुगर आ गई थी, तो हम लोग ये टेंशन में थे क्योंकि यार ये कहते हैं मेरे को तो खाने का शौक है यार और शुगर आ गई, अब कैसे करेंगे। तो चलो इस चीज़ से तो निजात मिला, बट कुछ चीज़ें हैं अभी जो चल रही हैं इनके पूरे शरीर पे, बहुत दाने दाने से जैसे ब्लड के स्पॉट्स होते हैं ना वैसा कुछ होने हो रहा है इनके पूरे बॉडी पे हो गया, बस फेस छोड़ दिया है, पूरा फुल बॉडी पे हो रहा है, उस वजह से इनकी हरारत सी रहती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो अभी ये थोड़ा धूप में गए हैं बैठने, मैं भी बस सब्जी मेरी बनने वाली है, आटा लगा लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए मैंने थाली लगा ली है, मैंने आटा लगा के रोटी बना दी थी, तो यहाँ पे है सब्जी, सैलेड है और रोटी है, तो आप भी खा लीजिए, इसके साथ रायता और होना चाहिए पर नहीं, मौसम कुछ अजीब ही हो रहा है तो बच्चे भी लेते हैं सो मैंने बनाया नहीं। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है, एक बार ट्राई जरूर करना। मैंने टमाटर डाले थे उसी टाइम पर। तो मैंने जो कपड़े दो सुबह धोए थे ना तो वो तो ऊपर से सूख गए, पर कुछ कपड़े थे जो नहीं सूखे हैं, और इन कपड़ों को मैं नीचे ही सुखा दिए थे क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, तो ये भी सूख गए हैं कपड़े तो। और जो कपड़े रह गए हैं जैसे टॉवल, स्वेटर, मतलब ये सब रह गए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर डाल देती हूँ जिस के यहाँ पर रात भर में सूख जाएंगे, सुबह लस्सा सूख जाएंगे, अंदर डालो तो और स्मेल सी होती है। और यहाँ पर बेटा जो है वो मस्ती कर रहा है, बस उसको ही डांट पड़ रही है कर क्या रहे हो तुम। तो यहाँ का जो इस तरीके से देखते हैं ना तो मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि आपका बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो सच में कहूँ जैसे अब मैं आपको देख रही हूँ, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, उस टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सही बात है, कहीं हम हिल स्टेशन पे रह रहे हैं और ऐसा घाटियाँ सी दिखाई दे रही है, पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए जो सूखे कपड़े हैं वो अंदर रख देते हैं। और मैंने नेट धोई थी, यहाँ पर मेरी विंडो है ना उसकी नेट धोई थी, तो वो भी मैं अंदर लेके जाती हूँ क्योंकि जगह बनानी पड़ती है ना, इतनी लंबी चौड़ी जगह तो है नहीं, सो इस वजह से। तो चलिए काम तो मेरा शुरू होता है कब है, ख़त्म कब होता है मुझे खुद को नहीं पता चलता, और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना सच कहूँ तो मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता, पता नहीं क्यों यहाँ पे आके मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वहाँ मैं देहरादून में रहती थी, अपना स्टिचिंग कर लेती थी, सारे काम कर लेती थी, बट यहाँ पे मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता।
तो कुछ ऐसा भी है कि बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जा रहे, इसलिए भी पूरा दिन लगा रहना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ में बिज़ी रहते हैं। और यहाँ का आपको कैसा लगता है ये सीन मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ का आपको ये जो दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है कितना नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे एक यूट्यूबर है, आई थिंक वो हिमाचल से हैं और वो व्लॉगिंग भी करती हैं और वो बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं। मुझे नाम याद नहीं है, बट उनकी बालकनी का एरिया ऐसा ही कुछ दिखता था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। तो यहाँ पे मैं बैठती हूँ थोड़ी देर, मुझे अच्छा लगता है, यहाँ बच्चों को देखती रहती हूँ और चाय पानी मेरी यहीं पर होती है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं क्योंकि इतना बैठने का टाइम नहीं है। अंदर चलेंगे, अंदर भी काम करने, मुझे और भी काम बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, पहले नेट लगा देते हैं, जो मेरी नेट मैंने हटाई थी जो धोने के लिए, तो उसको सेट करते हैं पहले। और पता है ये नेट है ना बहुत बढ़िया, जैसे जिन घरों में जालियां वगैरह नहीं लगी होती ना, तो ये ना वॉलक्रो के थ्रू ये लगाई जाती हैं, जो मैंने अपने पूरे घर में लगाई हैं। और ये चीज़ें ना मैं ज़्यादातर मैंने लास्ट टाइम जब मैं पहले रहा करती इंदौर में ही देखी थी, और यहाँ पर ये ही वाली नेट ज़्यादा चलती है, तो यहाँ पे हर घर में आपको मिल जाएगी। वैसे और जगह भी चलती होंगी बट मैंने ज़्यादातर इंदौर में ही देखी है। तो भैया थोड़े बहुत काम ख़त्म हो गए हैं, थोड़े बहुत अभी बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं रहते अभी बहुत सारे काम रहते हैं। मैं शाम हो गई है, टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 6 o'clock, लाइट्स ऑन कर देती हूँ। और काम में बताऊँ तो बेटी आने वाली है ट्यूशन से, और यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हैं। आप बोलोगे हर वीडियो में इस बंदी के कपड़े होते हैं, या तो कपड़े धो रही होती है या कपड़े उतार रही होती है, कभी कुछ कभी कुछ, ये मैं भी सोचती हूँ, आप ही नहीं मैं भी हूँ, ये सब कुछ मैं भी सोचती हूँ कि क्या यार रोज ही कपड़े धोती हूँ, मैं रोज ही कपड़े धोती हूँ। एक्चुअली रोज तो नहीं, बीच बीच में मैं व्लॉग डाल नहीं रही हूँ, आप लोग सब जान रहे हैं, जिस दिन कपड़े उपड़े नहीं धुलते उस दिन व्लॉग शूट नहीं होता, कुछ ना कुछ बात हो रही होती है तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। आज अगर मैं डे बताऊँ तो आज है सैटरडे, ठीक है, आपको सुबह मॉर्निंग वाले ब्लॉग से ही, मतलब मॉर्निंग से ही पता चल गया होगा, क्योंकि आज है बसंत पंचमी, सरस्वती जी का दिन है आज, तो घर में सफाई तो करनी थी, सो फिर इसलिए कपड़े भी मेरे दो दिन के इकट्ठे होते, देखो आ गए। आएंगे और जाएंगे, आज कुछ मेरा गेटअप कुछ अलग ही हो रहा है। एक्चुअली सुबह था बहुत सारा काम ना, मुझे कपड़े भी धोने थे, मैं भीग जाती, मैंने पहना नहीं, मैंने कहा मुझे काम में लगना है, पता नहीं मेरी ऐसी हैबिट है, और आयरन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो सोचा बहुत कुछ था, ये पहनूंगी वो पहनूंगी, कुछ नहीं पहन पाती। भैया बहुत बुरी हालात हो रहे हैं, ये ऑनलाइन सेशन कब खत्म होगा, जब जाके हम माओ को तसल्ली होगी, जब थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा। सुबह तो सच में कहो ना भैया कुत्तों वाली हालत हो जाती है, इधर भाग उधर भाग, ये क्लास वो क्लास, आज तो मतलब मीटिंग थी इनकी, ये इस टाइम पे नाश्ता दो, इस टाइम पे ये करो, बच्चों को उठाना, क्लास दिलाना, ये लिखो वो लिखो, सर दर्द हो जाता है। तो अभी अभी मेरी फ्रेंड का भी फोन आया था ना, उससे भी बातचीत हो रही थी, तो वो भी कह रही थी यार मेरी तो ना सच में आज जिंदगी आराम हो गई, कह रही वैसे दिमाग बिनका पड़ा था आज, एक घंटे डेढ़ घंटे तक की तो इनकी मीटिंग थी, फिर एक्टिविटीज थी, और उसके तीन तीन बच्चे हैं, और सब है ना ज़्यादा छोट बड़ा ही नहीं है सब में, वो एक एक डेढ़ साल का फर्क है, वो इतनी परेशान हो गई अकेली, तो वो कह रही थी सच में एक तो वैसे दिमाग खराब होता है, एक बच्चों ने खून पी रखा है, ऊपर से टीचर भी हमारा खून पीने को तैयार है, टीचर भी हमें डांट रही है कि तो आपका बेटा ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा ये नहीं कर रहा, तो हम उसी बात पे बहुत हंस रहे थे। मैंने कहा सही बात है यार, मैंने कहा एक ब्लॉग बना के तो इन मैम को ही दे देना चाहिए, ये देखो हमारा डेली रूटीन ये है और हमारी क्या धज्जियाँ उड़ती हैं सुबह से लेकर शाम तक, बहुत ज़्यादा बुरी हालत होते हैं, तो इसलिए तो अब मेरा डेली का जो काम है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए ना ही मैंने कपड़े धोते हुए आप लोगों को दिखाया ना ही मैंने उतारते हुए दिखाया, डेली डेली वही चीज़ दिखाओ तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे, तो मैं बता रही थी कि भाई
ऐसा नहीं है हम कुछ काम नहीं करते, बहुत काम करते हैं हम, लेडीज़ें बहुत काम करती हैं। वो अलग बात है कि किसी को दिखाई देता है या किसी को दिखाई नहीं देता, बट हम काम बहुत करते हैं, सच में बहुत करते हैं। और ये स्थिति में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बच्चों के लिए भी, ट्यूशन का भी, पेपर भी हम ही कराएं, क्लास भी हम ही दिलाएं, नेट भी हम ही रिचार्ज कराएं, पढ़ने के लिए फोर्स भी हम ही करें, डांट भी हम ही खानी, घर का भी हम ही देखना, नाश्ता पानी भी उनका देना, ना लंच पता चलता ना कुछ पता चलता। तो चलिए करते हैं फटा भी थोड़ा बहुत। मैं ऐसी ये देखिए न्यूज़पेपर बच्चों ने ऐसी फैला दिया मशीन पे, मुझे ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है। और अभी मुझे ये सब उठाना है, यहाँ पे बुक्स पढ़ रहे थे तो बुक्स छोड़ गए हैं, ऐसे ही चलता रहता है। किचन का ऑलमोस्ट काम थोड़ा थोड़ा सा डन है, आटा थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इसी में रख दिया, क्योंकि अभी ऑब्वियसली खाना बनेगा। चाय बनाई थी पर पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी सी और चाय बना लेती हूँ, मन सा नहीं भरा। महक ने बनाई थी चाय और मुझे है ना अच्छी सी, मतलब मेरे हिसाब की चाय मुझे मेरे ही हाथ से लगता है। देखिए कुछ कपड़े यहाँ पड़े हैं, जो कुछ कपड़े मैंने यहाँ गैलरी में सुखाए थे क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं बची थी, सारी रस्सियाँ मैंने भर दी थी इसलिए। तो आज ये नेट धोई थी, नेट भी चिपका दिए। देखो ये वाला चूहे ने ये हाल किया, देखिए देख रहे हैं दो जगह से काट दिया हमारी नेट, ये देख ये चूहों ने काट दिया, इसलिए मुझे यहाँ की खिड़की बंद ही करनी पड़ी। इसको भी मेरे को कुछ जुगाड़ करना है। तो चलिए हम बना लेते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे। तो किचन में आ गई थी और किचन में मैंने बनाया है अभी भी भुना है दलिया, तो थोड़ा सा ही रोस्ट किया है क्योंकि पैकेट अभी ओपन किया था और अभी से डब्बे में रख दूंगी ठंडा होने के बाद। अगर हम रोस्ट करके रख लेते हैं ना तो दलिये में कोई भी कीड़ा वगैरह होना है ना पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरा कितने भी दिन आप रख सकते हैं तो कीड़े होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरा बन रहा है दलिया, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं दलिया बना रही हूँ क्योंकि ये कह रहे थे कि मेरे लिए तो दलिया बना देना, तो मैंने इनके लिए दलिया बना दिया है, मतलब बन रहा है अभी। और चलिए किचन का काम खत्म करते हैं क्योंकि काम बहुत ज्यादा फैला फैला हो गया है, किचन को क्लियर करते हैं। और यहाँ पे ये लेकर आए थे सब्जियां, तो इनको भी मुझे करना है, ये नीचे रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ, ये सब्जियां रखी हुई है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और वहाँ कोने में भी घुसा रखी है मैंने, जगह एक्चुअली कम है ना यहाँ रसोई में तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सो इसलिए ये धूप रखा है ये सब्जी को, छोटे बर्तन में कर लेते हैं। चुका है, मैंने सब्जी वगैरह भी सब उठा के रख दी, बर्तन वगैरह सब मंज गए हैं, किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया। ये देखिए बर्तन मंजे रखे हैं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड जैम। और मेरे देखा देख इनको भी लग गई है भूख, कह रहे कि मेरे लिए भी बना के लेकर आ। आज मैंने खाना नहीं खाया, मेरा मन नहीं हो रहा खाना खाने का, तो अभी दूध गर्म किया है और साथ में ब्रेड जैम खा रहे हैं। रात के बज रहे हैं आई थिंक 11:30 या 12। अभी मैं ना हरी प्याज आई थी तो हरी प्याज कट करके रखी है तो उसमें टाइम हो गया। और अब बताओ एडिटिंग किस टाइम पे करूँगी मैं, अभी मैं ये फटाफट से खाती हूँ फिर एडिटिंग करनी है, आज लेट हो जाएगा, ज़्यादा लग गया। बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है जैम बताना। ओके ये रहा दूध, तो चलिए ये बन गया ब्रेड जैम एंड दूध। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप,
नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।